तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीपी कमांड इन यूनिक्स, दैट मींस हाउ टू कॉपी अ फाइल इन यूनिक्स, फाइल और डायरेक्टरी इन यूनिक्स। तो सीपी मतलब कॉपी कमांड। तो हम देख लेते हैं क्या कैसे यूज करा जाता है और क्या होती है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सीपी स्टैंड्स फॉर कॉपी इन यूनिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास, हमारे सिस्टम में इधर कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो हम किससे लिस्ट करते हैं, ls कमांड से लिस्ट करते हैं। तो हमारे पास टेस्ट और टेस्ट वन नाम की दो फाइल्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ फाइल्स को कॉपी करना, देन वी विल डिस्कस कि डायरेक्टरीज को कैसे कॉपी करना है या फाइल को डायरेक्टरी में कैसे कॉपी करना है। तो हम यूज करेंगे सीपी कमांड। अच्छा, सीपी कमांड में क्या होता है, अगर जैसे मैंने इधर लिखा टेस्ट एंड टेस्ट फाइल है हमारी, एक टेस्ट नाम की एक फाइल है और एक मैंने फाइल बनाई F1। अब इधर क्या है, ये जो टेस्ट है दिस इज योर सोर्स फाइल एंड F1 इज योर डेस्टिनेशन फाइल, मतलब वी वॉन्ट टू कॉपी टेस्ट फाइल टू F1 फाइल। अब इधर क्या है, इफ डेस्टिनेशन फाइल, मतलब जो ये F1 है अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सीपी कमांड क्या करेगी, इसको क्रिएट करेगी एंड उसमें टेस्ट का डेटा ट्रांसफर कर देगी, मतलब कॉपी कर देगी। बट अगर डेस्टिनेशन फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर सपोज करो F1 फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होती, तो वो क्या करती, इट विल ओवरराइट इट विदाउट एनी वार्निंग, मतलब विदाउट एनी वार्निंग ओवरराइट कर देगी सीपी कमांड। तो मैंने अभी बताया सिस्टम में हमारे पास केवल दो ही फाइल है, टेस्ट और टेस्ट वन, ls कमांड से हमने देख लिया था। तो F1 फाइल नहीं है, तो अब क्या होगा, F1 ये अपना आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और जो टेस्ट का भी टेस्ट फाइल का डेटा है वो उसमें कॉपी हो जाएगा। तो मैंने एंटर करा और अब हम ls कमांड से देखेंगे लिस्ट करके। तो यू कैन सी F1 फाइल हैज बीन क्रिएटेड, और इसका कंटेंट देखना है तो हम कैट जो हमारी कमांड होती है उसके हेल्प से हम कंटेंट देखते हैं, कैट F1 करेंगे। तो ये लिस्ट हो गया कंटेंट F1 का, और देख लेते हैं टेस्ट में क्या था, टेस्ट में भी यही था हमारा डेटा। तो ये सिंपल कॉपी हो गया। अब कॉपी फाइल करनी है हमें एक डायरेक्टरी में, तो मैंने लिखा सीपी और F1 को ही कॉपी करना है मुझे एक डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी क्या है, ABC डायरेक्टरी बना देते हैं हम सपोज, और ये स्लैश साइन आएगा एंड देन ओके, जस्ट अ मिनट, सीपी सॉरी ls करके देखते हैं। ओके, वी डो नॉट हैव दैट ABC डायरेक्टरी, तो हम बना लेते हैं इधर mkdir ABC बना लेते हैं। तो ls करके देखते हैं, ABC हमारे पास एक डायरेक्टरी है, तो हमने लिख दिया सीपी F1 एंड ABC एक डायरेक्टरी है। तो अब यू कैन सी अब वो एरर नहीं आई, F1 को हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया, ABC जो हमारी डायरेक्टरी थी उसमें। तो अब देख लेते हैं सीडी कमांड ABC, मतलब हम ABC डायरेक्टरी के अंदर चलेगा और ls करके देखते हैं, तो वी हैव F1 फाइल इन ABC डायरेक्टरी। अब सीडी कमांड से हम बाहर भी आ जाएंगे। तो ये था हमारा फाइल टू फाइल कॉपी करना और फाइल डायरेक्टरी में कॉपी करना। अब होता है डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में ही कॉपी करना। तो सीपी डैश कैपिटल R एंड देन ABC डायरेक्टरी नेम, और सपोज करो ABC1 में एक और डायरेक्टरी चाहती हूँ जिसमें ABC जो ये जो हमारी सोर्स डायरेक्टरी है जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये कॉपी हो जाए ABC1 में। तो देखते हैं कॉपी होता है नहीं होता है। तो एंटर करा मैंने, नो एरर, तो मतलब शायद कॉपी हो गया। और ये जो डैश R है, इट स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव कॉपी, मतलब जो भी ABC का कंटेंट है, सोर्स फाइल का कंटेंट है, वो सारा अंदर जितना भी है, चाहे फाइल्स हैं चाहे फोल्डर्स हैं जो भी है, वो सारा कंटेंट आ जाए डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। तब ABC1 भी चेक कर लेते हैं हम। अब आप देखो, हमने ABC1 हमारे पास नहीं थी सिस्टम में, बट इट दिस कॉपी कमांड हैड क्रिएटेड दिस ABC1 डायरेक्टरी, दैट मीन्स डेस्टिनेशन डायरेक्टरी उसने क्रिएट कर दी।
तो सी डी ए बी सी वन करेंगे और एल एस करेंगे तो यू कैन सी वी हैव फाइव एफ वन ओवर है, सी डी से ही हम बाहर आ जाएंगे। अब एक और इसमें एक ऑप्शन आता है कि इंटरेक्टिव कॉपी, मतलब अब जैसे कॉपी हमने करा सीपी टेस्ट एफ वन करा तो इसने हमें कोई मैसेज नहीं दिया, उसने सीधा टेस्ट सोर्स फाइल का डेटा उठा के एफ वन में डाल दिया, मतलब टेस्ट का डेटा एफ वन में डाल दिया। बट अगर मुझे चाहिए कि नहीं मेरे से पूछे कि करना है कॉपी या नहीं, तो मैं लगाऊंगी कौन सा ऑप्शन, डैश आई एंड देन मैंने लिखा टेस्ट एंड एफ वन, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो यू कैन सी उसने कहा ओवरराइट कर दे एफ वन को, तो इफ आई से कैपिटल यस वाई दैट मीन्स यस तो एंटर करेंगे तो ओवरराइट हो जाए। तो दिस वे इंटरेक्टिव कॉपी कर सकते हैं हम इसमें। एक और ऑप्शन आता है सीपी, जैसे मुझे टेस्ट नाम की मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो मैंने टेस्ट एस्ट्रिक लगा दिया और इसको कॉपी करना है मुझे ए बी सी वन डायरेक्टरी में, मतलब मेरे पास टेस्ट नाम की बहुत सारी फाइल्स हैं टेस्ट वन टेस्ट टू टेस्ट थ्री जो भी है, तो मैंने एस्ट्रिक से उन सबको वो कर दिया है मेंशन कर दिया है और किस डायरेक्टरी में डाल दे ए बी सी वन डायरेक्टरी में कॉपी कर दे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो उसने देखो कोई एरर नहीं हुई दैट मीन्स फाइल्स हैज बीन कॉपीड, तो चेक कर लेते हैं सी डी ए बी सी वन एंड एल एस करेंगे तो यू कैन सी टेस्ट फाइल्स भी ए बी सी वन डायरेक्टरी में आ चुकी। तो ये थी हमारी कॉपी कमांड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि हमें यूनिक्स में ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हम राइट क्लिक करें और कॉपी करें एंड देन या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो हमारा यू हैव टू रन द कमांड्स, तो सीपी कमांड इज वेरी यूजफुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।